हेलो गाइस, दिस इज मिराउल मोचिनी वाचिंग थंडर एफसी। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्या जिप रेटिंग वालों को स्पॉन्सरशिप मिलती है। अगर मिलती है तो फिर कैसे मिलती है, अगर नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती। और बात करें जिप रेटिंग के स्पॉन्सरशिप की, तो आपने देखा होगा कि DNS वालों को, BSC वालों को, GME वालों को स्पॉन्सरशिप मिलती है। उसके बेसिस पे उनका एडमिशन होता है, उसके बाद में वो पूरा कोर्स कंप्लीट करते और वो कंपनी उन्हें बुला लेते हैं। अगर बात करें जीप रेटिंग की, तो पहले तो आप एक कॉलेज में एडमिशन लोगे, उसके बाद में वो कोर्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद में अगर आपका लक होगा तो कंपनीज आएगी प्लेसमेंट के लिए आपके कॉलेज में, आप उसका इंटरव्यू दोगे, एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद में आपको उस कंपनी में जॉब लगेगी। मैंने तो बस एक ही रेयर केस ऐसा देखा है कि एक बंदा था जिसने RP वेसल का स्पॉन्सरशिप का लेटर लेकर आया था जीप रेटिंग के लिए, उसके बाद में उसने एक DJ अप्रूव कॉलेज से जीप रेटिंग कोर्स किया और बाद में RPSL कंपनी ने उसे बुला लिया। मैंने सुना तो है बट अभी तक मैंने प्रैक्टिकली देखा नहीं है। तो एज़ पर माई व्यू, जीप रेटिंग के लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती, आपको खुद से ही आपका एडमिशन कराना पड़ता है। 6 महीने का कोर्स होने के बाद में, आपका CDC आने के बाद में आपको डायरेक्टली कंपनियों में अप्लाई करना पड़ता है। तो वैसे देखे तो ITF कंपनी में जो क्रू मेंबर होते हैं वो आपको एक्सपीरियंस वाले ही वो लेते हैं जॉब के लिए। अगर बात करें RPSL की, तो आई डोंट नो, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलती होगी, यू कैन ट्राई फॉर इट, बट एज़ पर माई व्यू, आप तक मैंने जो देखा है उस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जीपे रेटिंग के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। अगर आप जीपे रेटिंग कर रहे हो तो मेक श्योर आप प्लेसमेंट वाले कॉलेज से ही कर रहे हो, वरना आपको बाद में स्पॉन्सरशिप तो इस जीप रेटिंग कोर्स में नहीं होती, आपको प्लेसमेंट के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा, एजेंट को पैसा देना पड़ेगा। सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।